बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कैलोरीमेट्री और थर्मामेट्री के बारे में सीखेंगे। थर्मामेट्री नाम से स्पष्ट है टेम्परेचर का मेजरमेंट। कैलोरीमेट्री बच्चों नाम से स्पष्ट है कैलोरी यानी हीट का मेजरमेंट। आइए जरा सबसे पहले थर्मामेट्री से बच्चों हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, थर्मामेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। बेटा, यहाँ थर्मामेट्री दो पार्ट में स्टडी की जाती है, एक होता है पायरोमेट्री और एक होता है क्रायोजेनिक्स। पायरोमेट्री थर्मामेट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम हाइयर टेम्परेचर 800 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी या उससे ऊपर के टेम्परेचर का स्टडी करते हैं, और जो हमारा क्रायोजेनिक्स है उसमें बच्चों लोअर टेम्परेचर की स्टडी की जाती है। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं, थर्मामेट्री है क्या आपने जाना, थर्मामेट्री में और क्या क्या चीज़ें यहाँ खास हैं। बेटा, कहीं पर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपने देखा उसका यूनिट यूज होता है डिग्री सेल्सियस, कहीं पे केल्विन यूज होता है, कहीं पे फारेनहाइट यूज होता है, कहीं पे कुछ और यूज होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जनरली आप सुनते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट, कहीं किसी बॉडी का टेम्परेचर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के दो जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बनाए गए हैं, यूनिट्स बनाए गए हैं, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, उनको कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया है। बच्चों, थर्मामेट्री में फिर दो स्टैंडर्ड पॉइंट चुने जाते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, थर्मामेट्री में दो स्टैंडर्ड पॉइंट चुने जाते हैं, एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। और ये जिस थर्मामेट्री की हम बात करें इसको कहते हैं ओल्ड थर्मामेट्री। मॉडर्न थर्मामेट्री में बच्चों केवल एक रेफरेंस पॉइंट, एक ही स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिलहाल यहाँ हम बच्चों बात करेंगे ओल्ड थर्मामेट्री की। ओल्ड थर्मामेट्री में टेम्परेचर को कोरिलेट करने के लिए, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बच्चों बनाने के लिए दो तरह के फिक्स्ड पॉइंट लिए जाते हैं, यानी दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं। एक होता लोअर फिक्स्ड पॉइंट या उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा बच्चों यहाँ पर होता अपर फिक्स पॉइंट और उसी को कहते हैं स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बच्चों सीखिए, हमने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया है स्केल नंबर 1 सेल्सियस स्केल, जिसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग डिग्री सेल्सियस में करेंगे। अगले में मैंने दिखाया केल्विन स्केल, ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। फारेनहाइट स्केल, इसमें हम टेम्परेचर को फारेनहाइट में मेजर करेंगे। सपोज करिए कभी कोई नया स्केल बन गया, अननोन स्केल बन गया, तो इन सबसे कैसे कोरिलेट होगा, उसके लिए मैंने यहाँ टेक्निक आपको बताने का प्रयास किया है। बेटा जी, ध्यान से समझिए, यहाँ के अंदर बच्चों लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, जिसको बच्चों स्टीम पॉइंट या वेपर पॉइंट कह सकते हैं, वो 100 डिग्री सी होगा, और यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास होगा दैट इज 0 डिग्री सी, आपको पता है, ठीक है बच्चों। आइस पॉइंट भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को। केल्विन स्केल में अगर हम उसी टेम्परेचर को देखें, केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट हमारा 273.15 एग्जैक्टली ये होता है। कैलकुलेशन में 0.15 जनरली कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है खास, लेकिन वास्तव में इसकी वैल्यू ये होती है लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट जो यहाँ के अंदर बच्चों होता है वो होता है -373.15 केल्विन। अच्छा, फारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है बेटा वो 32 डिग्री फारेनहाइट है, और फारेनहाइट में जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ के अंदर कोई अननोन स्केल, मैंने उसका नाम रख दिया यक्स। लोअर फिक्स्ड पॉइंट पे इस अननोन स्केल की वैल्यू है यक्सएल, और बच्चों यहाँ पर अपर फिक्स्ड पॉइंट के लिए मैंने यक्सयू ले लिया है, ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ बीच में देखिए, मैंने कहा कोई अननोन टेम्परेचर है, कितना डिग्री सी है, सी डिग्री सेल्सियस है। अगर सी डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन होगा, मैंने मान लिया के केल्विन होगा। अगर के केल्विन है तो कितना फारेनहाइट होगा, मैंने मान लिया यह फारेनहाइट है। कितना अननोन स्केल पे टेम्परेचर होगा, मैंने मान लिया और टेम्परेचर यक्स है, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया कुछ डेटा। उसके हिसाब से बच्चों अब एक नियम होता है, एक रूल होता है जो हमेशा फिक्स होता है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इतना करना है किसी भी स्केल के लिए अननोन
माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अननोन टेम्परेचर वॉट एवर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये वैल्यू हर स्केल के लिए कॉन्स्टेंट होगी। अगर रेस्पेक्टिव वैल्यू रख के हम सॉल्व करें तो ये जो हमारा इतना पार्ट है बच्चों, इतना पार्ट है, ये सभी स्केल के लिए क्या होगा, एक ही आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। जैसे अगर सेम चीज मैं यहाँ के लिए लिखूँ, अननोन टेम्परेचर कितना है, सी डिग्री सेल्सियस, सी माइनस जीरो, जीरो इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, डिवाइडेड बाई अपर हायर, अपर कह लीजिए या हायर कह लीजिए, माइनस लोअर, यानी 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो। सेम चीज अगर मैं केल्विन स्केल पे लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, अननोन दैट इज के माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज दिस मच, डिवाइडेड बाई अपर, अपर माइनस लोअर वॉट एवर इक्वल टू, अगर इसी को मैं फारेनहाइट पे लिखूं तो अननोन दैट इज एफ माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज 32 डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर दैट इज 212 माइनस ऑफ 32। इफ वी वॉन्ट टू राइट डाउन द सेम थिंग ऑन अननोन स्केल देन वॉट विल बी डेटा, ईयर डेटा विल बी लाइक दिस, एक्स माइनस एक्स एल अननोन माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डेटा जो वट एवर डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बच्चों इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होगा जो मैंने यहाँ आपके सामने लिख के दिखाया है। अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बचेगा सी वाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई, इसका अंतर लेंगे 100। बेटा यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ जाएंगे तो एक्स माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स यू माइनस एक्स एल, ये बच्चों रिलेशन बना। अब ये तो मैंने एक साथ सबको दिखा दिया, अब मैं दो दो को एक साथ लूँगा, सेल्सियस केल्विन में रिलेशन दिखाऊंगा और बच्चों सेल्सियस फारेनहाइट में रिलेशन दिखाऊंगा और केल्विन फारेनहाइट में रिलेशन दिखाऊंगा, केल्विन सेल्सियस में रिलेशन दिखाऊंगा। कैसे बच्चों देखते हैं सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन होता है और सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन। बच्चों अभी मैंने जब तीनों को कोरिलेट किया, तीनों को कोरिलेट किया, अननोन को भी उसी के साथ कोरिलेट किया, कुछ इस तरह का इक्वेशन बन के आया था। क्या था भाई तरीका, तरीका ये था अननोन माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बच्चों ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट थी, उसी से ये पूरा इक्वेशन बन के आया था। बच्चों इसमें हम सेल्सियस और केल्विन वाला पार्ट अलग करते हैं, इसको अलग से मैंने लिख दिया। बेटा इसको सॉल्व करोगे 100 100 दोनों साइड से कैंसिल हो गया और यहाँ सी इक्वल टू दिस मच आ गया, के इक्वल टू दिस मच आ गया। अब देखिए इसका मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सीधे सीधे कोरिलेट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सी, के क्या है, उसी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया और केल्विन में बदलना हो तो जैसा कि आप जानते हो उसमें 273 ऐड कर देते हैं, एक्चुअली वो 273.15 होता है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 273 ले लिया जाता है। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह का सिचुएशन बनेगा। अब अगर ग्राफिकली इस चीज़ को मैं कोरिलेट करने जाऊँ, वाई एक्सिस पर केल्विन में टेम्परेचर मान लिया के है और बच्चों एक्स एक्सिस पर सेल्सियस में टेम्परेचर मान लिया सी है। यहाँ बच्चों कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब यहाँ के अंदर टेन थीटा की वैल्यू या यूँ कह लीजिए स्लोप की वैल्यू 1 आएगी, स्लोप की वैल्यू 1 आएगी। अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट है तो ग्राफ पक्का है लीनियर जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट कैसा कटेगा, पॉजिटिव कटेगा, कितना कटेगा 273.15 केल्विन के बराबर यहाँ पर इंटरसेप्ट कटेगा। और बच्चों यहाँ स्लोप की वैल्यू हमारे पास जिस प्रकार से डी वाई ओवर डी एक्स लिखते थे उसी तरह यहाँ डी के ओवर डी सी लिख दिया, और क्योंकि ग्राफ लीनियर है तो चाहे हम स्लोप को ऐसे लिखें डी के ओवर डी सी या हमारा मन हम डेल्टा के ओवर डेल्टा सी लिखें, छोटा चेंज अपान छोटा चेंज देखें या बड़ा चेंज अपान उसी के करस्पॉन्डिंग बड़ा चेंज देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये ग्राफ कैसा है बच्चों, लीनियर है। यहाँ के अंदर ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी जो कि यहाँ दिख रहा है साफ साफ,
इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी। इसका मतलब केल्विन स्केल में होने वाला परिवर्तन और सेल्सियस स्केल में होने वाला परिवर्तन सेम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, केल्विन में टेम्परेचर और सेल्सियस में टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन केल्विन स्केल में होने वाला चेंज और सेल्सियस स्केल में होने वाला चेंज अगर करस्पॉन्डिंग चेंज देखे जाए तो सेम होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों सेम होगा उसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जाएं सेल्सियस स्केल में तो जीरो से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, 100 पे, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं। और अगर सेल्सियस हम केल्विन में जाते हैं तो 273.15 से शुरू होता है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट आता है 373.15। हम देखें तो इसके बीच भी 100 स्लॉट्स बनेंगे और इसके बीच भी 100 स्लॉट्स बनेंगे, यानी इसका एक स्केल इसके एक स्केल के बराबर है। ऐसे अगर मैं स्लॉट्स वाइज इसको स्केलिंग करूं तो कितने खाने यहां पर बनेंगे, 100। उसी तरह इसके बीच भी 100 का डिफरेंस है, 100। इसका मतलब इसका एक जो स्केल होगा इसके बराबर होगा। तो जितना अगर इसमें हम दो स्केल की चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी दो स्केल का ही चेंज होगा। तो इसीलिए केल्विन स्केल में होने वाला चेंज और सेल्सियस स्केल में होने वाला चेंज क्या होता है, इक्वल होता है। अब बच्चों बात करते हैं यहां पर दूसरे पॉइंट को, उठाते हैं सी और एफ वाले को। बेटा यहां पर सी बाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180, इसको सॉल्व करेंगे तो सी बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 आ जाएगा। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, फारेनहाइट में बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हम इसके अनुसार चेंज कर लेंगे। अगर टेम्परेचर हमारा फारेनहाइट में दिया है, हमें सेल्सियस में लिखने की ज़रूरत है, नो डाउट इस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से चेंज कर लेंगे। बेटा जी यहाँ के अंदर हमारे पास इसको थोड़ा सॉल्व और किया जाए, ये बन जाएगा 9/5 टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू F माइनस 32। बेटा F की वैल्यू आ गया 9/5C, 9/5C प्लस 32। यहाँ ये रिलेशन भी बिल्कुल Y इक्वल टू MX प्लस C से कोरिलेट हो रहा है, Y एक्सिस करस्पॉन्ड कर रहा है F को, F इन दी सेंस टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड यक्स के जगह पर यहाँ सी आएगा। सी क्या चीज़ है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बच्चों 32 दिस विल बी इक्वल टू इंटरसेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर ग्राफ इसका बनाया जाए, नो डाउट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कोरिलेट हो रहा है तो ग्राफ लीनियर होगा, सम व्हाट लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी बना रखा, क्योंकि हमें समय बचाना है, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी हैं। बेटा जी यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनेगा, बेटा ये जो इंटरसेप्ट यहाँ के अंदर कटा है दैट इज 32 फारेनहाइट हो जाएगा, और यहाँ के अंदर स्लोप की अगर बात करें, टेन थीटा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप को हम लोग लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स, तो स्लोप को यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एफ ओवर डी सी। अब बच्चों क्योंकि ग्राफ लीनियर जा रहा है, लीनियरिटी यहाँ शो हो रही है, तो डी एफ ओवर डी सी लिखें या डेल्टा एफ ओवर डेल्टा सी लिखें, दोनों का मतलब सेम होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से पता चला डेल्टा एफ इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी। ये मदद करता है बच्चों, कभी सेल्सियस में होने वाला परिवर्तन दिया हो और पूछा जाए फारेनहाइट में कितना करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, बड़ी इजीली बहुत आसानी से आप बच्चे लोग कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कभी फारेनहाइट में चेंज दिया हो और सेल्सियस में चेंज डायरेक्ट जल्दी से निकालना हो, नो डाउट बड़ी आसानी से इस इक्वेशन का यूज करके आप चेंज को निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ से चेंज निकलेगा और यहाँ से एक टेम्परेचर देगा तो दूसरे स्केल में टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, बड़ा यूजफुल इक्वेशन हो जाता है ये वाला इक्वेशन, और इसके अलावा बच्चों ये वाला इक्वेशन बड़ा यूजफुल हो जाता है। ओके बच्चों, बच्चों थर्मामेट्री के बारे में आइए कुछ और फैक्ट्स जानने का प्रयास करते हैं। थर्मामेट्री क्या होता है ये तो आप समझ लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स कैसे को रिलेट किए जाएंगे मैंने आपको ये भी बता दिया। बेटा अगला यहाँ पर जो सिचुएशन होता है, कोई थर्मामीटर अगर टेम्परेचर को मीजर करता है तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड होता है, कैसे मीजर करता है, आइए ज़रा समझते हैं। बच्चों पहले हम अपना डिस्कशन करेंगे ओल्ड थर्मामेट्री से कैसे टेम्परेचर को मीजर किया जाता है, और फिर बात करेंगे मॉडर्न थर्मामेट्री से कैसे टेम्परेचर को मीजर किया जाता है। ओल्ड थर्मामेट्री में बच्चों टेम्परेचर मीजर करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट लिए जाते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब आप कह सकते हैं उसी को आइस पॉइंट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट उसी को आप कह सकते हैं स्टीम पॉइंट।
तो यहाँ के अंदर बच्चों टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक और चीज़, किसी थर्मामीटर में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी चुनी जाती है जो कि कहलाती है थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। और थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? खास बात थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए बच्चों ये होता है कि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज हो। टेम्परेचर दो गुना हो तो वो प्रॉपर्टी भी उसके अंदर दो गुना हो जाए, टेम्परेचर चार गुना हो तो वो प्रॉपर्टी भी चार गुना हो जाए, इसी तरह लीनियरली चेंज हो। जैसे मैंने मान लिया यक्स कोई एक थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो अगर यक्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है तो यक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये मैं मान के चलूँगा यक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू, यहाँ कोई कॉन्स्टेंट मैंने लगा दिया, दिस कॉन्स्टेंट इज ये, कुछ भी आप लगा सकते थे, इनटू टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर, व्हाट इज व्हाट एवर डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन। यहाँ के अंदर बच्चों मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को चेक करें तो टी की जगह 0 रखेंगे और जैसे ही 0 रखेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। एक्स एल यानी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब लोअर फिक्स पॉइंट पर बच्चों कितना हो गया? 0। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी अपर फिक्स पॉइंट पर अगर मैं देखने जाऊँ तो अपर फिक्स पॉइंट पर कितना होगा बच्चों? यहाँ के अंदर अपर फिक्स पॉइंट इन दी सेंस 100 डिग्री सी, टी के जगह 100 रख लीजिए, क्या मिल गया? 100। ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी अगर टी डिग्री सी पर देखने जाऊं जैसा कि यहां लिखा हूं टी डिग्री सी, तो टी के जगह टी ही रखेंगे, क्या बन गया? टी इंटू ये। यहां के अंदर बच्चों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो तरीका होता है टेम्परेचर में स्केल को कोरिलेट करने का वही तरीका यहां देखेंगे। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर विच इज टी डिग्री सी माइनस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, दिस मच विल बी इक्वल टू। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, एक्स टी के जगह पर हो गया 80 माइनस एक्स एल के जगह पर क्या हो गया? 0। डिवाइडेड बाई एक्स यू के जगह पर 100 ए, एक्स एल के जगह पर क्या हो गया? 0। बेटा यहाँ के अंदर क्या बन गया? टी बाई 100, ये बन गया हमारे पास टी बाई 100, दिस मच बिकम्स टी बाई 100। इसका मतलब टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स टी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स यू माइनस एक्स एल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के मदद से हमने यहाँ टेम्परेचर निकालने का एक तरीका बना दिया कि कैसे किसी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। अब आइए देखें, जैसे हमारे पास मान लीजिए मरकरी थर्मामीटर है, मरकरी थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ के अंदर क्या होता है बच्चों? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी मरकरी के अंदर जो बच्चों मरकरी थर्मामीटर में जो मरकरी भरा होता है लिक्विड मरकरी, उसका लेंथ कितना है या हाइट कह लीजिए या लेंथ कह लीजिए कितना है, यही थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो ये लेंथ घटता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए किसी को फीवर है, उसे थर्मामीटर से चेक किया, ये लेंथ अपने आप इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन होगा, समझ में आ जाएगा हाँ फीवर है। अगर टेम्परेचर कम है ज़रूरत से, ये नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर बच्चों थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा? लेंथ होगा ऑफ मरकरी, दिस मच। अब यहाँ के अंदर देखें टी की वैल्यू जो हमारे पास होगी, इसके अनुसार अगर मैं इससे इसको रिजेंबल करूं बच्चों, तो टी के स्थान पर टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स टी, और एक्स टी के स्थान पर क्या आ जाएगा? एल टी। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के जगह एक्स की जगह क्या हो गया? एल। एल टी माइनस एल एट लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई एल लेंथ एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लेंथ एट लोअर फिक्स पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिग्री सी। तो ये हो गया बच्चों टेम्परेचर मेजर करने का साधन बाई यूज ऑफ ओल्ड थर्मामेट्री प्रिंसिपल इन केस ऑफ मरकरी थर्मामीटर। मान लीजिए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करें, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में बच्चों क्या होगा? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ के अंदर नाम से स्पष्ट है, प्लेटिनम के वायर के रेजिस्टेंस को थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह से लिया जाता है। यहाँ पर बच्चों बस कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह आर से रिप्लेस कर देना है। एक्स यहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने इन जनरल माना था, जो कि अब रेजिस्टेंस में बदल चुका है। अब एक्स की जगह पर बस रेजिस्टेंस को रख दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा टेम्परेचर मेजर करने का। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट टी डिग्री सी माइनस
रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन द सेंस 0 degree C पर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इस इक्वेशन का यूज करके बड़ी आसानी से प्लेटिनम रेजिस्टेंस के द्वारा टेम्परेचर मीजर करने का एक तरीका बनाया जा सकता है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। बच्चों अगला थर्मामीटर मान लीजिए गैस थर्मामीटर की मैं बात करूँ, तो गैस थर्मामीटर में बच्चों कोई गैस का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब दो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि हो सकता हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसे यूज़ करें, हो सकता हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज़ करें। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं। बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो प्रेशर कांस्टेंट है, मटेरियल उसके अंदर बदल नहीं रहा है, कहने का मतलब अमाउंट सेम है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बचा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो चीज़, वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज हो बच्चों, उसे हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब जो हमने अभी तक देखा इक्वेशन xt माइनस xl डिवाइडेड बाई xu माइनस xl मल्टीप्लाइड बाई 100 डिग्री सी, सिमिलर यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और हमारा टेम्परेचर मेजर करने का एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ के अंदर बच्चों हो सकता है हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर को मेजर करें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर को मेजर करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इतना पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया, क्या बचा, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बच्चों अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इट मीन्स प्रेशर इज द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ। एक्स जो हमारा आ रहा था इक्वेशन में, एक्स की जगह बस क्या कर देना है, पी कर देना है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की जगह प्रेशर को लिख देना है, तो हो जाएगा प्रेशर एट टी डिग्री सी माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सी। तो बच्चों ये हो गया तरीका, कुछ मैंने यहाँ दिए तरीके, ऐसे जितने भी ओल्ड थर्मामेट्री से टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर बनाए जाएंगे, सब में कोई ना कोई थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी ली जाएगी और सबके लिए बच्चों यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। बच्चों अब आइए बात कर लेते हैं मॉडर्न थर्मामेट्री की। मॉडर्न थर्मामेट्री में बच्चों केवल एक रेफरेंस पॉइंट यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता कितना है, दिस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की दिस वैल्यू होती, ये वैल्यू होती है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों हमने अब मान लिया कि यक्स कोई थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो यक्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर हम यक्स को चेंज करके लिखेंगे, ऐसे सिंबल देंगे XTR, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट। और अननोन टेम्परेचर कितना, कैपिटल टी पर। यहाँ पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका चेंज करेंगे, उसको लिख देंगे XT। अब डिफरेंट यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ये बनाएंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू अननोन टेम्परेचर इक्वल टू थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पर लिखा जाएगा। बच्चों अब क्या करना है, मान लीजिए डिफरेंट थर्मामीटर की बात करें, बस रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स की जगह, वाट एवर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी जो भी उस जगह होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए जैसे मरकरी थर्मामीटर की बात करें, तो मरकरी थर्मामीटर के अंदर हम क्या देखते हैं, ये मरकरी कॉलम का जो लेंथ होता है बच्चों, वही यहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह से यूज होता है। तो यक्स की जगह यहाँ के अंदर क्या आ गया, यल, यक्स की जगह बच्चों यल आ गया, यल टी डिवाइडेड बाई यल टी आर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन। फिर अगला हमारा है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर हमारे पास जो होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है, एक्स की जगह आर कर देना है, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देना है, तो हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई आर टी आर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 टेम्परेचर यहाँ केल्विन में हमको मिलेगा। आर इज द प्लेटिनम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट अननोन टेम्परेचर एंड आर रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई दिस मच। सिमिलरली
अगर हम गैस थर्मामीटर की बात करें बच्चों, तो गैस थर्मामीटर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर मीजर करने जब हम जाएंगे तो दो केस बनेंगे, एक होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम वहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा T इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई वी टी आर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन में टेम्परेचर मीजर होके यहाँ आएगा। मान लीजिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हम देखें, चेक करें, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर रखेंगे तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ के अंदर प्रेशर बन जाएगा। तो यक्स की जगह, यक्स की जगह बच्चों क्या रिप्लेस कर देना, प्रेशर को, हमारा टेम्परेचर मीजर के मीजरमेंट के लिए इक्वेशन बन के आ जाएगा T इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई पी टी आर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन। आई होप आप समझ गए हों। आइए बच्चों देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। बच्चों एक छोटी सी बात है, जब हम किसी बॉडी को वार्म अप करते हैं, उसे गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ती है, और थर्मल एनर्जी जब बढ़ती है तो उसके मालिक्यूल दूर दूर जाने का प्रयास करते हैं। थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और यहाँ पर दूर दूर मालिक्यूल जाने का प्रयास करते हैं, और यही रीज़न है कि वो बॉडी एक्सपेंड करने का प्रयास करता है, दूर जाने का नहीं, उसके कण, उसके पार्टिकल दूर जाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन में तीन टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होगा बच्चों एरियल या उसी को सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे, और अगला होगा हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन या उसी को बल्क एक्सपेंशन का नाम देंगे। आइए जरा वन बाय वन चर्चा करते हैं। सपोज करिए इस तरह का हमारे पास कोई एक रॉड रहा हो, सपोज करिए इस तरह का हमारे पास बच्चों एक कोई रॉड रहा हो और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर हमारा थीटा इनिशियल है। अब इसके टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कराया प्लस डेल्टा थीटा व्हाट एवर कुछ बढ़ा दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, लीनियर डायमेंशन का है तो इसका लेंथ बढ़ेगा, कितना बढ़ गया डेल्टा एल, फाइनल लेंथ कितना हो गया एल एफ, और यहाँ के अंदर इसका फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए थीटा एफ हो गया। बच्चों यहाँ के अंदर अब फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ को कोरिलेट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो कुछ यूँ होता है, एल एफ इक्वल टू एल आई मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बच्चों ध्यान रखिएगा, एल एफ इज़ द फाइनल लेंथ, एल आई इज़ द इनिशियल लेंथ, वन इज वन एंड वन के बारे में तो आप जानते हो, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बच्चों यहाँ टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन है, और डेल्टा थीटा का मतलब होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, और अल्फा यहाँ एक नया चीज़ मुझे दिखा, वो क्या है बच्चों, अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक कॉफिशियंट है यहाँ के लिए बच्चों जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा की वैल्यू बाई फार्मूला अगर मैं देखूँ तो यहीं से डिराइव होकर आ जाएगा एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई एल आई इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर में होने वाला ये परिवर्तन है। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल लेंथ में होने वाला चेंज अपान एल इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा। इस तरह से मैं बच्चों अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इन दिस केस वी विल हैव ये प्लेनर बॉडी लाइक दिस, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस प्लेनर बॉडी विल एक्सपेंड एंड इट्स एरिया विल इंक्रीज। यहाँ के अंदर बच्चों एरिया इंक्रीज करेगा, पहले इसका एरिया ए इनिशियल है और अब ये इनिशियल इतना पहले था लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एक्सपेंड हुआ और यहाँ पर बच्चों फाइनल एरिया यहाँ ए फाइनल के बराबर आ गया। सपोज मान लेता हूँ बच्चों पहले यहाँ टेम्परेचर थीटा इनिशियल रहा हो, बाद में थीटा फाइनल हो गया हो, टेम्परेचर में डिफरेंस थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करके हमें हमेशा लेना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर फाइनल एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा होगा। बच्चों व्हाट इज ए फाइनल, ए फाइनल इज द फाइनल एरिया, ए इनिशियल इज द इनिशियल एरिया, एंड वन यू नो वन इज वन, बीटा
बीटा के बारे में बच्चों बात करें तो बीटा एक कॉफिशियंट, जैसे अल्फा वहां था, यहां बीटा कॉफिशियंट है जिसका नाम होता है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और यहाँ डेल्टा थीटा जो हमारे पास होता है टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन होता है। बेटा जी आप समझ लीजिए, अगर इसी को मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा ये फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय ए इनिशियल इनटू डेल्टा थीटा, और इस तरह से बच्चों में बीटा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये फाइनल माइनस ए इनिशियल मीन्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इनिशियल इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर अगर मैं आके देखता हूँ कि अगला कौन सा एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ कोई 3D बॉडी की बात की जाएगी, शेप से मतलब नहीं बसरते, वो 3D होना चाहिए। यहाँ के अंदर बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज थीटा इनिशियल टेम्परेचर ऑलरेडी उसके पास था और हमने यहाँ प्लस डेल्टा थीटा कर दिया, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर इसका क्या हो गया, थीटा फाइनल हो गया, थीटा फाइनल हो गया। पहले जो बॉडी इतना बड़ा था वो एक्सपेंड होकर इतना बड़ा हो गया लाइक दिस। यहाँ के अंदर बच्चों वॉल्यूम में होने वाला जो परिवर्तन हुआ डेल्टा वी होगा। अब देखिए फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कैसे कोरिलेट होगा, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल वन प्लस ऑफ गामा इंटू डेल्टा थीटा। बेटा जी यहाँ के अंदर वी फाइनल क्या है आप समझ गए होंगे, वी इनिशियल क्या है आप समझ गए होंगे, गामा क्या है आप इससे थोड़ा अनुमान लगाइए। गामा वहाँ पर अल्फा बीटा जैसे था, यहाँ गामा एक कोएफिशिएंट है जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ बल्क एक्सपेंशन कह सकते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों डेल्टा थीटा टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन है, और इसी से हम ये रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा गामा इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इनिशियल इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए इन तीनों को अगर एक साथ हम समराइज करें तो बच्चों एक चीज देखिए, डेल्टा एल यूनिट जरा देखिए, मीटर मीटर कैंसिल, पर डिग्री सेल्सियस आ गया इसका यूनिट, यहाँ पर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर कैंसिल, पर डिग्री सेल्सियस बचा, और गामा का भी पर डिग्री सेल्सियस बचा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की यूनिट सेम होगी, पर डिग्री सेल्सियस के सेम पर डिग्री सेल्सियस ये यूनिट आएगी। और बच्चों अगर अल्फा बीटा गामा में हम देखें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो बच्चों अल्फा बीटा गामा का रेशियो जो आता है 1:2:3 इसके बराबर आता है। बच्चों हम लोगों ने अभी अभी ये सीखा कि अगर कोई बॉडी लीनियर बॉडी है, उसका लेंथ एल इनिशियल है और टेम्परेचर थीटा इनिशियल है, टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर फाइनल हो गया थीटा फाइनल, और लेंथ यहाँ पर फाइनल हो गया एल फाइनल, तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसे था एल फाइनल इक्वल टू एन इनिशियल वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब मान लीजिए हमारा एल इनिशियल शुरुआती जो हमारे पास बच्चों टेम्परेचर था, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इनिशियल लेंथ हमारा एल आई के जगह पर हम एल जीरो लिख देंगे, एल नॉट या एल जीरो पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पर बच्चों टी डिग्री सेल्सियस पर फाइनल टेम्परेचर मैंने माना टी डिग्री सेल्सियस है, तो एल फाइनल की जगह हम एल टी लिख देंगे, और डेल्टा थीटा की जगह थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर क्या है टी डिग्री सेल्सियस, टी माइनस इनिशियल क्या था जीरो, तो क्या आ गया बच्चों टी, डेल्टा थीटा के जगह पर टी, एल फाइनल के जगह पर एल टी, एल इनिशियल के जगह पर एल नॉट, और वन के जगह पर वन, अल्फा की जगह अल्फा, और डेल्टा थीटा की जगह पर क्या आ गया टी। तो रिलेशन क्या बना, एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आप वन प्लस अल्फा टी, यहाँ हो गया लेंथ है टी डिग्री सेल्सियस, लेंथ है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड टी फॉर टेम्परेचर, वाट एवर टेम्परेचर इन डिग्री सी, यहाँ डिग्री सी में टेम्परेचर लेना होता ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन बन गया, बस इसी इक्वेशन को मैंने रिड्यूस किया, राइवल में आपके ऐसे ही लिखा होगा, तो ध्यान दीजिए मैंने ये वाला बता दिया है, थोड़ा और आसानी से चीज़ों को सॉल्व करा देता है। यहाँ पर सिमिलरली एरिया के टर्म में बच्चों ए टी इक्वल टू ए जीरो वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा टी हो जाएगा, और यहाँ के अंदर वी टी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा टी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई करके ऐसे बच्चों हम रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों एक सवाल आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेटल नंबर वन मेटल नंबर टू दो मेटल्स ऐसे ले लिए जाएँ, एक और आयरन मैंने लगा दिया, एक और कॉपर, या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। बच्चों किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, सपोज थीटा इनिशियल,
और यहाँ पे मैं इसके टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहा हूँ, डेल्टा थीटा का चेंज कराया और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास हो गया थीटा फाइनल। अब ये दोनों मेटल जो हैं अलग अलग हैं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग है, इसका अलग है। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, अभी तो दोनों का लेंथ सेम है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी वो कम एक्सपेंड करेगा। जैसे ये है दो अलग अलग मेटल मान लीजिए हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, मान लीजिए ऊपर वाले का अल्फा ज़्यादा है, सेम टेम्परेचर बढ़ाया तो सेम टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ज़्यादा फैलेगा ऊपर वाला और नीचे वाला कम फैलेगा। अब जरा सोचो ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला ज़्यादा फैल रहा नीचे वाला कम, कैसे काम चलेगा? ऊपर वाला ज़्यादा जब फैलेगा नीचे वाला उसकी तुलना में कम फैलेगा तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, समझ में आ रहा बच्चों? थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, थोड़ा कर्वेचर ये ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये ज़्यादा फैला ये कम फैला तो ऑब्वियसली ये हल्का सा मुड़ेगा और ये कम फैल रहा है तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो टेम्परेचर जब कोई पर्टिकुलर था, दोनों का लेंथ सेम था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ऐसा कंडीशन बना, तो बच्चों यहाँ के अंदर पूछा जाता है कि ये जो इधर से देखें कॉन्वेक्स सरफेस बन गया, इधर से देखें कॉन्केव सरफेस बन गया, ये जो एक आर्क नुमा स्ट्रक्चर यहाँ के अंदर बन गया है इसका मीन रेडियस क्या होगा? मीन रेडियस ये इनर रेडियस हो गया या आउटर रेडियस होगा, मीन रेडियस यहाँ कहीं आएगा बच्चों कितना होगा? और ये दोनों का जो थिकनेस है मिला करके इसको मैंने डी मान लिया। तो बेटा यहाँ के अंदर मीन रेडियस की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू डेल्टा थीटा, ये हमारा मीन रेडियस आ गया। सवाल ये आया हुआ है कि मीन रेडियस कहाँ के प्रोपोर्शनल होगा? मीन रेडियस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू, मे बी अल्फा टू माइनस अल्फा वन होता अगर अल्फा टू बड़ा होता, बड़ा माइनस छोटा आपको करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बच्चों कोई मेटल की एक सीट हो ऐसे, या कोई थ्री डी बॉडी भी हो सकती है, पहले सीट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेटल की कोई एक सीट हो जिसका नाम मैंने ये रखा है, चलो इसका कुछ एरिया रहा होगा, फिर मैंने क्या किया उसके बीच में से एक सर्कुलर पोर्शन मैं निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे लाके मैंने रख दिया, एक इसके अंदर बच्चों एक खाली जगह आ गया, यहाँ पर एक डिस्क यहाँ से काट कर मैंने निकाल लिया, बाहर कर दिया। अब मान लीजिए इसके टेम्परेचर को मैं सपोज कोई वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री सी बढ़ाऊं, इसके एरिया में कुछ परिवर्तन होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बी के टेम्परेचर को मैं उतना ही बढ़ाऊं 30 डिग्री सी, इसके भी एरिया में कुछ परिवर्तन होगा, एक्सपेंशन होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। बच्चों मैं इसमें उतना ही टेम्परेचर बढ़ाऊं 30 डिग्री सी, इसके एरिया में भी परिवर्तन होगा। बच्चों जब ये इसके अंदर था तो जिस प्रकार का एक्सपेंशन होता था, ये वाला पोर्शन इसके अंदर से बाहर निकाल लेने के बाद भी एक्सपेंशन बिल्कुल उसी तरह होगा, एक्सपेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ के अंदर आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, अगर यहाँ एरिया में परिवर्तन मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ हो, वाट एवर, तो उतना ही एरिया में परिवर्तन, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर भी होगा, और उतना ही टेम्परेचर यहाँ के बच्चों अगर बढ़ाएं तो उतना ही एरिया में परिवर्तन यहाँ भी होगा। देखिए मान लेते हैं 30 डिग्री से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ गया, 30 डिग्री से यहाँ भी बढ़ाया, ये भी बढ़ जाएगा। अब इस बढ़े हुए को अगर मैं यहाँ ला के रखूँ एग्जैक्टली बैठ जाएगा, मतलब ये इसके अंदर रहता तो भी एक्सपेंशन उसी तरह होता, और ये पोर्शन इससे बाहर है तो भी एक्सपेंशन उसी तरह से है। मान लीजिए यहाँ के अंदर बच्चों ये मैं इसको ला के अभी रख दूँ, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, निकाला रख दिया, बैठ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गया। यहाँ के अंदर मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर निकाल लिया, इसके टेम्परेचर को उतना ही रहने दिया, जबकि इसके टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, मान लीजिए 30 डिग्री सी बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ ला के रखूँगा, इसके अंदर बिल्कुल ये ढीला रहेगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर भी मैं 30 डिग्री सी बढ़ा दूं, तो बच्चों ये भी फैलेगा, और अब अगर मैं लाके इस एक्सपेंडेड वाले पार्ट में मैं इसको रखूं, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। मतलब ये इसके अंदर रहता तो बिल्कुल उसी तरह एक्सपेंशन होता जैसे
इसके बाहर होने के बाद इसका एक्सपेंशन हुआ, जितना एरिया में परिवर्तन यहाँ पर होगा उतना एरिया में परिवर्तन यहाँ पर होगा। बेटा जी ए के एरिया में होने वाला परिवर्तन बी के एरिया में होने वाला परिवर्तन एग्जैक्टली सेम आएगा, यहाँ के एरिया में होने वाला परिवर्तन और यहाँ के एरिया में होने वाला परिवर्तन भी एग्जैक्टली सेम आएगा। यहाँ पर बच्चों ये बात अच्छी तरह से आपको दिमाग में बैठा लेना है। बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट लागू होगा 3D बॉडी के लिए। 3D बॉडी का कोई केस है किसी पर्टिकुलर शेप का, अगर हम कोई कैविटी उसके अंदर से निकाल लें तो बच्चों बिल्कुल सिमिलर कंडीशन जैसे यहाँ बना है सिमिलर कॉन्सेप्ट वहाँ भी लागू होगा। बेटा कैविटी या जो भी यहाँ से हम टुकड़ा निकाल रहे हैं इसके शेप से मैटर नहीं करता कि शेप कैसा है, एक्सपेंशन का उससे कुछ लेना देना नहीं है।